गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम स्विट्जरलैंड का संविधान पढ़ रहे थे और उसमें हम संघीय कार्यपालिका, हमारा टॉपिक चल रहा था कि संघीय कार्यपालिका जो स्विट्जरलैंड की वास्तविक कार्यपालिका है उसमें क्या उसके कार्य और शक्तियां थी। हमने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा था कि स्विट्जरलैंड की संघीय कार्यपालिका जो है हम संघीय परिषद को कहते हैं, और संघीय परिषद में जो है हमने उसकी शक्तियों और कार्य, हमारा टॉपिक चल रहा था, और उसमें हमने कार्यपालिका व्यवस्था, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां और कार्य संघीय परिषद के पढ़ लिए थे। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि संघीय परिषद के और कार्य और शक्तियां किस प्रकार हैं। तो देखिए, संघीय परिषद के कार्य और शक्तियां, हमारा टॉपिक चल रहा था संघीय परिषद के कार्य एवं शक्तियां। और कार्यपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के बाद में है कि संघीय परिषद के वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां क्या है। तो देखिए, वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए, स्विस संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत, स्विस संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत 102 के अंतर्गत संघीय परिषद के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संघीय परिषद के वित्त संबंधी कार्य, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियों का, वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियों का विवरण दिया गया है, शक्तियों का विवरण दिया गया है। इसके प्रमुख वित्त कार्य एवं शक्तियां, इसके प्रमुख कार्य एवं वित्तीय शक्तियां एवं वित्तीय शक्तियां निम्नलिखित हैं। इसके प्रमुख कार्य एवं शक्तियां, इसके प्रमुख, ये गलत हो गया, प्रमुख वित्तीय कार्य इसके प्रमुख इसके प्रमुख वित्तीय वित्तीय कार्य एवं
एवं शक्तियां निम्नलिखित है। पहला है संघीय परिषद, पहला है संघीय परिषद वार्षिक बजट, वार्षिक बजट बनाती है, बजट बनाती है तथा इसे संघीय सभा में प्रस्तुत करती है। तथा इसे सभा द्वारा पारित भी कराती है अगला है संघीय परिषद संघीय सभा के वित्तीय प्रशासन के लिए कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी है उत्तरदायी होती है अतः यह है संघीय आय एवं वे ये संघीय आय एवं वे संघीय आय एवं व्यय का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है और इसका समुचित ब्यौरा एवं हिसाब भी रखती है संघीय परिषद वित्तीय प्रशासन की प्रशासन की
वित्तीय प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट भी संघीय सभा के विचारार्थ संघीय सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करती है प्रस्तुत करती है। तो देखिए इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्त संबंध में संघीय परिषद के महत्वपूर्ण कार्य हैं और संविधान के अनुच्छेद 102 के अंतर्गत संघीय परिषद के वित्त संबंधी कार्य एवं शक्तियों का विवरण स्पष्ट रूप से संविधान में दिया गया है। तो हम देखते हैं पहली शक्ति वित्त संबंध में कि संघीय परिषद वार्षिक बजट बनाती है और इसे संघीय सभा में प्रस्तुत करती तथा सभा द्वारा पारित भी कराती है। तो वार्षिक बजट बनाने में संघीय परिषद का महत्वपूर्ण भूमिका है और ये इसे संघीय सभा में प्रस्तुत करती है और इसे सभा द्वारा पारित भी कराती है। अगला है संघीय परिषद संघीय सभा के वित्तीय प्रशासन के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी है। यह संघीय आय एवं व्यय का निरीक्षण एवं नियंत्रण करती है और इसका समुचित ब्यौरा हिसाब भी रखती है। तो देखिए पूरे समूचे जो है संगठन का ध्यान संघीय परिषद रखती है कि पूरे संगठन में वित्तीय प्रशासन का कुशलता पूर्वक संचालन होता है अथवा नहीं होता है, इसके लिए संघीय परिषद उत्तरदायी है और संघीय परिषद जो है सभा के वार्षिक आय एवं व्यय का पूरा ब्यौरा रखती है और इसी प्रकार संघीय परिषद वित्तीय प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट भी संघीय सभा के सामने रखती है। इस प्रकार से संघीय परिषद वित्त संबंध में से महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है और संघीय परिषद संघीय सभा के सामने जो है वित्त प्रशासन की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत करती है। तो देखिए संघीय परिषद की वित्तीय शक्तियों के अलावा इसे न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। तो हम संघीय परिषद की न्यायिक कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा करते हैं कि अगली शक्तियां संघीय परिषद की जो है न्यायिक क्षेत्र में दी गई है। देखिए अगली शक्ति है संघीय परिषद की अगली शक्ति है न्यायिक कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए अगली शक्ति है न्यायिक कार्य एवं शक्तियां। तो देखिए इस प्रकार संघीय परिषद के संघीय परिषद के प्रमुख न्यायिक कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित। निम्नलिखित है
देखिए प्रमुख न्यायिक कार्य है, पहला है यह संघीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के विरुद्ध निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपील सुनती है और निर्णय देती है उदाहरण के लिए यह है रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपील सुनती है। तो देखिए इस प्रकार से न्यायिक क्षेत्र में संघीय परिषद की पहली शक्ति है कि वह संघीय प्रशासन के विभिन्न विभागों के निर्णयों की निजी व्यक्तियों की क्या करती है, अपील सुनती है और इस संदर्भ में निर्णय देती है। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि रेलवे प्रशासन के निर्णयों के विरुद्ध निजी व्यक्तियों की अपील सुनती है, तो इस प्रकार से निजी व्यक्तियों की अपील सुनने और उसमें निर्णय देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है संघीय परिषद कुछ मामलों में कैंटमों के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील सुनती है। और निर्णय देती है। उदाहरण के लिए
यह कैंटोन में होने वाले उदाहरण के लिए है, कैंटोनों में होने वाले धार्मिक भेदभाव, धार्मिक भेदभावों में, धार्मिक भेदभावों में कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती है। कैंटनों में होने वाले धार्मिक भेदभाव में कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनती थी। किस प्रकार से संघीय परिषद कैंटन में जो निर्णय हो चुके हैं उन निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का विषय अधिकार है। उदाहरण के लिए कैंटनों में होने वाले धार्मिक भेदभाव में कैंटनों के निर्णयों के विरुद्ध इसे अपील सुनने का अधिकार है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायिक क्षेत्र में भी इसे महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। अगली है यह कैंटनों द्वारा आपस में यह कैंटनों द्वारा आपस में किए गए व्यापारिक संधियों से पैदा होने वाले विवादों के बारे में भी अपील सुनती है। तो देखिए इस प्रकार से कैंटनों द्वारा आपस में की गई जो व्यापारिक संधियां हैं उन व्यापारिक संधियों से होने वाले जो विवाद हैं उनके बारे में भी इसे अपील सुनने का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय परिषद न्यायिक क्षेत्र में इसे जो शक्तियां दी गई हैं उन शक्तियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार संघीय परिषद को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका क्षेत्र में शक्तियां प्राप्त हैं उसी प्रकार से इसी न्यायिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। तो अगली हम देखते हैं, अगली शक्ति है संकटकालीन शक्तियां। तो देखिए अगली शक्ति हम देखते हैं देखिए अगली शक्ति है संकटकालीन शक्ति। संकटकालीन शक्तियां
तो देखिए संघीय परिषद को कार्यपालिका व्यवस्थापिका वित्तीय और न्यायिक क्षेत्र में जो शक्तियां प्राप्त हैं उसे संकटकालीन शक्तियां भी प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि संविधान के अनुसार संघीय परिषद की कोई संकटकालीन वे आपातकालीन शक्तियां या आपातकालीन शक्तियां प्राप्त प्राप्त नहीं है, शक्तियां प्राप्त नहीं, किंतु व्यवहार में इसे ये शक्तियां प्राप्त हुई हैं। देखिए सिद्धांत रूप में तो संविधान द्वारा संघीय परिषद को कोई संकटकालीन शक्तियां प्राप्त नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसे ये शक्तियां प्राप्त है। तो हम देखते हैं कि वस्तुतः संकट काल से राष्ट्र की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि संघीय परिषद इन शक्तियों का प्रयोग करें। तो देखिए इमरजेंसी के टाइम में जब इमरजेंसी होती है उस समय संघीय परिषद को यह जरूरी है तो इन शक्तियों का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। तो संविधान तो संघीय परिषद को शक्तियां प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी व्यवहार में उसे ये शक्तियां प्रयोग करने के लिए कहा जाता है कि ये शक्तियां उसी के द्वारा प्रयोग की जाती है कि व्यवहार में वो इन शक्तियों का प्रयोग करें देश की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो देखिए हम देखते हैं कि इसलिए प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध तथा प्रथम व द्वितीय महायुद्ध तथा आर्थिक मंदी तथा 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी तथा 1930 में आर्थिक मंदी के समय संघीय सभा ने ये शक्तियां स्वेच्छा से
ये शक्तियां स्वेच्छा से स्वेच्छा से संघीय परिषद को सौंप दी थी। स्वेच्छा से संघीय परिषद को सौंप दी थी। तो देखिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघीय परिषद को संविधान ने तो कोई शक्तियां नहीं दी है, लेकिन फिर भी व्यवहार में उसी शक्तियां प्राप्त हैं। और इसलिए प्रथम और द्वितीय महायुद्ध के समय में और 1930 में जो आर्थिक मंदी आई थी, पूरा विश्व जिस आर्थिक मंदी से त्रस्त था, उस समय संघ सभा ने शक्तियां स्वेच्छा से संघ परिषद को सौंप दी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संघ परिषद को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वित्तीय क्षेत्र व संकट काल में से महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।